Hello viewers, till now in basics of enzymology in previous videos we discussed about the nomenclature of the enzymes, characteristics of the enzyme, mechanism of action of the enzyme, different theories of the mechanism of action of enzyme and Michael mentioned equation, derivation and significance of the KM. टुडे वी विल डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी की जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको कैसे अफेक्ट करेंगे देर आर डिफरेंट फैक्टर्स फॉर दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी दैट मे बी एंजाइम कंसनट्रेशन सबस्टेट कंसेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ इनिबिटर टेम्परेचर पी एच एंड नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स वन बाय वन फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसनट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन को इफेक्ट को स्टडी करने के लिए क्या है कि हम एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाते जाएंगे ठीक है कोई रिएक्शन का रेट rate... चेक करेंगे कि जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाए इस केस में हम जो सब्सटेट है वो इतनी एक्सेस अमाउंट में रखेंगे कि सबस्टेट की जो कंसेंट्रेशन है वो अफेक्ट ना करे क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर स्टडी करना है कि एंजाइम की कंसेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है तो इट मींस हमें क्या है कि जो सबस्टेट की कंसेंट्रेशन है एक टाइप से कॉन्टेंट इतनी एक्सेस में रखें कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट ना कर पाए तो रिएक्शन का जो रेट है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट हो जाए एंजाइम कंसेंट्रेशन पे तो जैसे ही हमने फर्स्ट टाइम देखा कि रिएक्शन विदाउट नो एंजाइम है तो जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम है उसके बाद जैसे ही हमने एंजाइम को पुट किया उस रिएक्शन में अगर कंसेंट्रेशन हम इतनी रखते हैं तो उसके साथ में हाफ रिएक्शन रेट को अटेंड किया अगर हम एंजाइम की कंसेंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो जो रिएक्शन का रेट है वो भी डबल हो जाता है तो इट मींस क्या है जो एंजाइम की कंसेंट्रेशन है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन के तो जैसे जैसे एंजाइम की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है वैसे ही क्या है जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा सेकेंड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ सबस्टेट कंसेंट्रेशन तो सब्सिट कंसेंट्रेशन का भी हम इसी टाइप से करेंगे उसको हम प्लॉट करेंगे बट इस केस में हम क्या है जो एंजाइम की कंसेंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट रखेंगे ताकि जो एंजाइम कहीं ऐसा ना हो कि हम सब्सिट की कंसेंट्रेशन को स्टडी कर रहे हो और एंजाइम की कंसेंट्रेशन को भी बढ़ाते जाए और उसका भी इफेक्ट इसमें साथ में आए तो हम इसमें एंजाइम के कंसेंट्रेशन लेवल पे रखेंगे ताकि जो इफेक्ट हो टोटली totally हमारा इसमें जो स्टडी करें हम वो किस पे आए ताकि वो एंजाइम की एंजाइम पे इंडिपेंडेंट हो जाए टोटली totally किस पे डिपेंडेंट हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन पे तो इसमें क्या है जो कंसेंट्रेशन जैसे ही हमने यहां पे देखा ऑफ रिएक्शन तो भी क्या है जीरो है जैसे जैसे हमने बट तो आप देखोगे कि एक पॉइंट पे जाके क्या है इंक्रीज इन सबस्टेट कंसेंट्रेशन विल नॉट इंक्रीज वेलोसिटी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ नहीं रहा हम फिर भी सबसे बढ़ा रहे हैं बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वही रह रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इट मीन क्या है कि एक मैक्सिमम वेलोसिटी को जो अटेन कर लेता है उसके बाद सबस्टेट की कंसेंट्रेशन का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यहीं से फिर हमारा निकल के आता है केम क्यों क्योंकि एंजाइम जो हमारा कॉन्स्टेंट है उस रिएक्शन में तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इतनी सबस्टेट के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है इंक्रीज क्योंकि जो एंजाइम की कंसेंट्रेशन है वो एक कॉन्स्टेंट है तो एंजाइम इस सबस्टेट के से सेचुरेट हो चुका है सारा इतने ही अमाउंट ऑफ सब इतनी कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से जो एंजाइम है वो सैचुरेट हो चुका है और एंजाइम है ही नहीं जिसके साथ प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इट मीन्स क्या है इस रेट पे आके जो रिएक्शन का रेट है वो आगे नहीं बढ़ेगा तो इस रेट को बोलते हैं वी मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर दिस रिएक्शन एट दिस एंजाइम कंसेंट्रेशन और इसके जो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उस पे जो एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी कि हाफ मैक्सिमम ये है और इस पे हम प्लॉट करके देखेंगे ये जो एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी दैट इज एज के होता तब तक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगी अगर एंजाइम की एक्टिव साइट सारी सेचुरेट होगी तो उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका स्लो डाउन कर देंगे या बिल्कुल ही उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगे तो इसी के बेसिस पे थ्री टाइप के इनिबिटर्स है कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स एंड सबस्टेट और अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन इन तीनों टाइप के इनिबिशन को हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें और प्रोटीन क्या है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही काम करेंगे उनके एक टर्सरी स्ट्रक्चर होती है तो जैसे जैसे बिल्कुल अगर टेम्परेचर लो है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो क्या होगा जो इन एक्टिविटी है एंजाइम की वो इंक्रीज होती जाएगी और एक स्पेसिफिक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम होगी उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एकदम से वो डाउन हो जाती है क्यों क्योंकि जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बने होते हैं वो हाईअर टेम्परेचर पे जाके डिनेचर हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं दैट्स जो रिएक्शन का रेट है वो वापस से जीरो आ जाता है इसी टाइप से पीएच में पीएच में भी अगर एक स्पेसिफिक जो हर एक एंजाइम की एक अपनी पीएच रेंज होती है जैसे डाइजेस्टिव मोस्टली दैट विल एक्ट एज एसिडिक पीएच लाइक पेप्सिन है ठीक है और कुछ एंजाइम ऐसे जैसे एल्केलाइन फॉस्फेटेज है दैट विल एक्ट एट पीएच तो वो क्या है वो इसी उनका जो ऑप्टिमम पीएच है वो अगर उसका एल्केलाइन फॉस्फेटेज का नाइन है तो वो नाइन पे ही एक्ट करेगा उससे पहले जो सेवन या फाइव है उस पर वो एक्ट नहीं करेगा तो इट मीन क्या है जो पीएच है वो भी इनको इफेक्ट करेगा और एक ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही एंजाइम इफेक्टिवली उनकी जो एक्टिविटी है वो इफेक्ट हाइयर होगी अगर उससे लो है उनके ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर से लो है पीएच या टेम्परेचर या हाई है तो वहां पे उनकी जो एक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी या डिमिनिश हो जाएगी थैंक्स